नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज में। इंडोनेशिया में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुलावेसी द्वीप पर स्थित पालू शहर में सुनामी ने भी कहर भरपा दिया है। भूकंप के कारण कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिसमें सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है, जबकि इंडोनेशिया के एक अस्पताल से इस हादसे में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस भयंकर आपदा ने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वहीं भूकंप के केंद्र से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पालू शहर के एक पार्किंग रैप की सबसे ऊपरी मंजिल से शूट किया गया, जिसमें ऊंची पानी की लहरें उठती नजर आई और तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में पानी की लहर कई इमारतों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। एजेंसी के एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जबरदस्त लहरें उठती दिख रही हैं और लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। आपदा एजेंसी के भूकंप एक सुनामी विभाग के अध्यक्ष सहमत त्रियोनो के ने बाद में पुष्टि की कि शहर में सुनामी की तेज लहरें आई हैं। इस भूकंप की तीव्रता इस वर्ष की शुरुआत में लोमबोक द्वीप में आए भूकंप से कहीं अधिक थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।